जी बिना हेलमेट के हम लोग क्या बोलते हैं, यू नो वेरी वेल यार, ना तो बार बार बोलता अच्छा नहीं लगता, ये आपको पता है। तो भाई उसमें ABS लगा होता तो ब्रेक लगाने का कोई सिस्टम नहीं था। भाई हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के नए व्लॉग में। भाई आज का व्लॉग बहुत नहीं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सिर्फ बातचीत करेंगे व्लॉग में और कुछ नहीं करेंगे। भाई अब मेरा बाइक लेके गया, मेरा बाइक मेरा ब्रदर लेके गया और गाउन लेके करा कि लाइट करवानी भाई थोड़ी सी, मैं ले जा भाई कोई नहीं। तो मेरा भाई बाइक ले गया, आपको लग गया होगा पता, भाई मेरा दिल नहीं लग रहा बाइक के बिना। और भाई आज का व्लॉग हम लोग ड्यूक RC 200 में करने वाले हैं। यस थक गया मैं थोड़ा सा। हाँ आज का व्लॉग हम RC 200 में करने वाले हैं, तो आज हम बातचीत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आपको अपनी सिटी घुमाता हूँ भाई लुधियाना, तो लेट्स गो। आज हम लोग निकल चुके हैं राइड के लिए फिर से। तो भाई आज हमारे पास बैनली नहीं है और आज मैं निखिल का भाई ड्यूक चला रहा हूँ। चेक करो, बहुत भाई सेम ही लग रहा है जैसे बैनली, सीटिंग इसकी वैसे ही है बैनली जैसी, भाई कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है सीटिंग में। और मस्त भाग रही है यार, बहुत हल्की बाइक लग रही है, बहुत हल्की बाइक लग रही है भाई। और भाई आपको पता ही है बिना हेलमेट वाले जो सुपर बाइक चला रहे हैं, सुपर बाइक सॉरी हाँ जो मत चलो नॉर्मल बाइक ही है, बिना हेलमेट के हम लोग क्या बोलते हैं, यू नो वेरी वेल यार, ना तो बार बार बोलता अच्छा नहीं लगता। और भाई हेलमेट जरूर यूज़ करो जब भी राइड के लिए जाओ, मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ, अभी भी मैंने हेलमेट डाला हूँ, हमेशा ही यूज़ करता हूँ, चाहे मेरे को थोड़ा भी जाना हो तो भी मैं हेलमेट यूज़ करता हूँ यार, सेफ्टी फर्स्ट। और आपको पता ही भाई तुम्हारा सारे रूल्स फॉलो करता है। अरे यार क्या है, एक दोस्त की सॉन्ग सुना था स्पीकर में, थोड़ा बढ़िया एक दोस्त डलवाओ भाई, फट गया एक दोस्त भी उसका। तो भाई हमने ड्यूक रखा है, इसमें बिना एक दोस्त के ही चल रहा है यार, इसमें एक दोस्त नहीं डलवाया अभी तक। अब एक दोस्त लगवाएंगे भाई, सजेस्ट करना कौन सा एक दोस्त लगवाएं, इसमें लगवाएंगे थोड़ी देर तक तो थोड़ा पहले फ्यूल हो जाए, बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चलती भैया, क्या करें। क्या हो गया, भाई टाइम लगने वाला, मैं कैमरा कर देता हूँ ऑफ। सो गाइज आपको तो पता ही है भाई मेरे पास सुपर बाइक है जो मैं चलाता हूँ, ये भी मैं अपने निखिल भाई की है। तो अभी यार सीन ऐसा है ना कि भाई बाइक इतनी हल्की लग रही है, बाइक का कट से बड़े खतरनाक बज रहे हैं यार आज, बाइक के कट जो बज रहे हैं ना बहुत सही वाले, मतलब सुपर हैवी बाइक है मेरे पास है ना बैनली 600i, तो भाई उसके कट ही नहीं बजते, इसमें तो बाइक इतनी हल्की लग रही है ना भाई, कट यूं सांप बना दिया तुम्हारे भाई ने बाइक का, बिल्कुल सांप जैसे चलती है बाइक ये। अभी देखना पड़ेगा अगर पुलिस ना हो, भाई पिछली बार यहाँ पे सीन हो गया था आपको तो पता ही है, अगर आपने व्लॉग देखा होगा लास्ट वाला, भाई अगर नहीं देखा तो जाके देखो, यहाँ पर भाई पुलिस खड़ी हुई थी, तुम्हारा भाई ये पीछे कट से भागा भाई, दो खतरनाक सीन होते हैं यार मेरे साथ हमेशा ही। पाजी जान दो, ऐदा ना करो यार, आज मैं तुम लाके दिखावा किधर जाइए के। हाँ जी तो भाई टेम्पू वाले बंदे खुश हो गए, खैर है कि राइडर जा रहा है, राइडर आगे कैमरा लगा हुआ है ना, यहाँ से मारेंगे काट क्योंकि आगे वाले काट में पुलिस खड़ी होती है। चलो आज आगे से ही जाएंगे भाई, हमने तो हेलमेट डाला ही हुआ है ना, अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, आज तो बिल्कुल सही वाला। ओ भाई खतरनाक, ऐसे लग रहा है भाई स्टॉपी बज जाएगी बाइक की इसकी बाइक में मैंने बहुत स्टंट किए हैं यार, बस इसकी भी थोड़ा सर्विस होने वाली है, सर्विस के बाद आपको इस बाइक में बिल्ली मार के दिखाएंगे। अरे 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 क्या कर रहा हूँ मैं, ये कभी कभी ड्राइविंग करना ही भूल जाता हूँ भाई,
गाली मोड़नी थी, गाली मोड़ी नहीं है, गाली दे रहे हैं लोग, गाली नहीं मोड़ी। भाई लड़की को क्या हो गया था, कितने प्यार से देखो था। दीदी और भाजी नहीं, मजे हल्की हल्की बाइक, हल्की हल्की हवा, ससुरा का बाइक चलता था, थक रही है बिल्कुल, तेजम तेज। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, खाओगे क्या? बर्गर खाएंगे, देखते हैं भाई क्या खाना है। अभी तो मैं अकेला ही हूँ, आगे जा रहा हूँ अपने फ्रेंड की शॉप पे, उसकी शॉप है आगे करियाने की, किसकी दुकान में, तो भाई क्या ही मिलेगा, साबुन सुबुन मिलेगा, तो उसके बाद देखते हैं भाई हमें क्या खाम का खाते हैं, क्या पीते हैं। सो बने रहो ब्लॉग में एंटर। भाई सिस्टम देखो, ये बाइक ऐसी है ना ड्यूक भाई, कहीं भी घुस जाएगी प्यार से, कहीं से भी निकल जाएगी ऐसे दौड़ के, पीछे नहीं रहने देगी आपको, कहीं भी घुस जाए कहीं भी निकल जाएगी। इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी इतना सही है ना, बस इसमें अगर ABS लगी होती ना इस मॉडल में, इस मॉडल में नहीं है वो देखो। अरे यार पहली बता ही रहा हूँ अभी ABS नहीं है, तो इस मॉडल में अगर ABS होता ना तो सिस्टम बहुत सही होता बाइक का। अभी ये यार स्लिप मारती पीछे से, मैंने KTM भगाई आपको पता है, तो भाई उसमें ABS लगा होता तो ब्रेक लगाने का कोई सिस्टम नहीं था, कि डर नहीं लगता था कि हाँ स्लिप करेगी बाइक या वगैरह वगैरह, ये बाइक साली स्लिप कर जाती है बस। ओ चल पो भाजी, इंज क्यों कर रहे हो, ट्रक रुकवाता ही तुम्हें पूरा, बस ये थोड़ा सा सिस्टम यहाँ से पार हो जाए, सिस्टम ख़राब हो जाएगा हमारा यार, सिस्टम सिस्टम निकल ही जा रहा है मुँह से। मैं एल्विश भाई की वीडियो देख के आया हूँ, तो वो देख के बस सिस्टम सिस्टम हो ही जा रहा है सारा, सिस्टम ख़राब ना हो जाए मेरा भी कहीं। बस यहाँ से हमको मुड़ना है लेफ्ट में। भाई साहब क्या कर रहे हो, स्टॉपी स्टॉपी देखोगे गाइस इसकी, यार खड्डा आ गया भाई पीछे से ठोक दे, सिस्टम गलत है ये, इसमें बहुत गलत सिस्टम। तो भाई जल्दी तुम्हारा भाई ना बैनली लेके जाएगा कॉलेज में, लुधियाना का सबसे फेमस कॉलेज का नाम बता दो, वहीं पे जाएंगे हम। सो जल्दी से कमेंट करो, वहाँ पे हम अपनी बैनली सुपर आई 600i, सॉरी भाई सुपर आई 600i लेके पहुँच जाएंगे, और लॉक्स खतरनाक। ओ स्लिप स्लिप कर गया, स्लिप शॉप नहीं आ रही भाई की, भाई इस बाइक में ना आराम से मतलब सब कंफर्टेबल रहता है, आराम से मतलब एंकरिंग भी हो जाती है यार, जब मैन्युअली चलाता हूँ फोकस रखना पड़ता है कहीं ठुक ठाक ना जाए, इतनी हैवी बाइक के ऊपर से हाथ में भी नहीं चढ़ी अभी तक। दोस्त के पापा खड़े हैं।